श्रीमंदिरे आज महाप्रभु फगु दशमी स्वतंत्र नीतिकांति अनुष्ठित हो आज श्रीमंदिर एक सप्ताह धरी दोल उत्सव आरंभ हो महाप्रभु द्वादश जात्रा मध्य दोल जात्रा अन्यतम प्रमुख जात्रा फगु दशमी में आज श्रीमंदिर मध्यान्ह धूप शेष होगापर महाप्रभु आज्ञामल चलती प्रतिमा दोल गोविंद भूदेवी श्रीदेवी स्वतंत्र विमान में बस श्रीजगन्नाथ बल्लभ मठ को विजय करेंगे सेठे अबीर और फगु लगी विश्वास रही फाल्गुन शुक्ल दशमी चैत्र कृष्ण प्रतिपदा पर्यंत महाप्रभु को दर्शन कले कोटि पुण्य मिलता है। आज फगु दशमी अवसर महाप्रभु चाचेरी बेश और चाचेरी भोग अनुष्ठित होता है। आसंता चतुर्दशी तिथि पर्यंत अनुष्ठित होगा चाचेरी बेश महाप्रभु रक्त वस्त्र परिधान करने सहित विभिन्न अलंकार से सज्जित हे प्रतिदिन मध्यान धूप सरपर महाप्रभु को यही बेशरे सज्जित ठाकुर ठाकुराणी को झिमिरी फगु लगी आसंता 24 तारीख में मेढापड़ी उत्सव अनुषित हे 25 तारीख में दोल पूर्णिमा अवसर में चतुर्धा विग्रह लक्षाधिक भक्त और श्रद्धा को सुना बेश दर्शन देवे। आज हूँ फाल्गुन मास शुक्लपक्ष दशमी तिथि यह फगु दशमी बोली कह जाए था। आज ठारु आरंभ करी चैत्र मास कृष्णपक्ष प्रतिपदा पर्यंत दीर्घ सात दिन धरी श्रीमंदिर दोल महोत्सव अनुष्ठित होइथाय। आज फगु दशमी दिन महाप्रभुंकर अन्यान्य नीति बढ़ी जेतेबेले मध्यान्ह धूप सरे सेतेबेले ठाकुरंकर एही दोलोत्सव नीति आरंभ हुए रत्न सिंहासनारूढ़ ठाकुर मानकर गोटे बेश हुए जो बेश को चाचेरी बेश बोली कह जाए था। यही बेश रे ठाकुर माने लाल वस्त्र परिधान करी एवं यही बेश धारण कर सारा पर ठाकुर मानकु 30 मूर्ति सुवर्णर अलंकार विभूषित करा जाए था। ठाकुर माने यही समय रे ओडियाणी चंद्र सूर्य तड़गी ता सहित नलीभुज मध्य धारण करी बेश सरीगला परे श्रीदेवी भूदेवी एवं दोल गोविंदंकर मध्य चाचेरी बेश अनुष्ठित होइथाय। तबे फगु दशमी श्रीमंदिर किभली भाव आज नीतिकांति रही से संपर्क में अधिक आलोचना सीधासलख पुरी नहीं जाऊँ प्रियदर्शन महांती रही प्रतिनिधि प्रियदर्शन आज श्रीमंदिर स्वतंत्र नीतिकांति वर्तमान सुधा कौन आरंभ है किभली भाव भक्त भिड़ रही निश्चित भाव में देखो कमलाकांत ये होची एमती एक पर्व जोटी गोटे पटे राधा कृष्णंकर जो प्रेमर भव्य गाथा देखा मिले अन्य पटे जो विश्वास रही होलिका राक्षसीर दहनर जो औज्वल्यता जो अग्निर जो औज्वल्यता और गोटे शुभ दृष्टि पड़ा गोटे अशुभ उपर शुभर विजय हवा ये जो पाप उपर पुण्यर विजय हवा ये जो गाथा को लेकिन ही ये पूरा पर्व रही तेणु आज जेहेतु दोल उत्सवर प्रथम दिन दोल पाई पूरा उत्सव मुखर श्रीमंदिर और आज सका पांचटू द्वार फिटा होगापर जमीती आम मंगला आरती नीति संपन्न होध्यान धूप पर जमी आप कहते चाचेरी बेश हेब महाप्रभु जीवे प्रमोद उद्यान जो रही जगन्नाथ बल्लभ जगन्नाथ बल्लभटे स्वतंत्र भाव नीति हेब बा फगु खेलें महाप्रभु और दोल पूर्णिमा दिन पंचदशी दिन जो भाव में भक्त और भगवान एकाठी होली खेलिबे दोल गोविंद जेतेबेले दोल बेदी को जिबे सेठी एकाकार हेबे भक्त एवं भगवान ये मध्य आपण देखुथिबे श्रीमंदिर सम्मुखर एटी दृश्य एटी भजन जणान रे लिप्त रहिछंती भक्त माने एवं आज जेहेतु ये होची गोविंदंकर उपासना रे ये जो समय फगुण मास रे महाप्रभु को महाप्रभु गोविंद को ही पूजा करा जाए एवं ये जो दोल गोविंदंकर जो परंपरा पूरापल्ली जेतेबेले उत्सव मुखर राधा कृष्ण को स्वतंत्र भाव में विमान रे नहीं विभिन्न जगार द्वार द्वारी भोग जो परंपरा एवं अनन्य परंपरा गुड़िक देखा मिले और श्रीमंदिर अनन्य नीति देखा मिले ये जो माँ मैंने रही प्रतिक्रिया ना जेहेतु चलचंचल रही फगु दशमी स्वतंत्र भाव में माँ फगु दशमीर तिथि महाप्रभु दर्शन दिन आरंभ हो कमी कौन रही है उत्सव कमी मना जय जगन्नाथ आज दिन तो निहाती स्वतंत्र आमर तो ओडिया घर पर्वपर्वाणी घरे मान ठाकुर को फगु लग जाए प्रथम आंब डे चणा डे सब दि जाए ठाकुर आसती आज दिन महत्व बहुत आज्ञा भारी आनंदर दिन आज आमर आम समस्त उत्साह गोटे बसंत मान ऋतुर ये गोटे बहुत बड़ पर्व आमर
ଆଉ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ଘରେ ଘରେ ପାଳନ କରୁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ କ'ଣ କହୁ, ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ପୂଜିବାର ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ୟ ନୀତି, ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କର ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନମା ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି ମନରେ ଉତ୍ସାହ? ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଫଗୁ ଦଶମୀ, ଆଜିଠାରୁ ପୁରା ଆରମ୍ଭ 7 ଦିନ ଏ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ। ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ରଖନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବା, ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ମା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ଶୁଣୁଥିବେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ମାସରେ ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପୂଜିତ ହୁଅନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଫଗୁଣ ମାସରେ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମରେ ପୂଜିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ଉପାସନାର ଇଏ ହେଉଛି ସମୟ ଏବଂ ଯେଉଁଠିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପୁରା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଚେରୀ ବେଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୁଏ ଏବଂ ସେହିଦିନ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ମେଷକୁଟିର ଦହନ ଏବଂ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଭିନ୍ନ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟୋପରରେ ମଧ୍ୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥାଏ, ଯେମିତି ଆଡ଼କାନି ଏବଂ ନଳିଭୁଜ ଇଏ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହେଉଛି ଶୁଣିପାରୁଥିବେ, ଯେହେତୁ ଆଜି ଫଗୁ ଦଶମୀର ଦିନ। ଆଜିଠାରୁ ଉତ୍ସାହ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ସଦାସଳଖ ଚିତ୍ର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ରହିଥିଲେ ପୁରୀରୁ, ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଉଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।